आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। पुलिस लाइन में पुलिस मॉडर्न स्कूल में जीर्णोद्धार कार का लोकार्पण और पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान एडीजी अजय आनंद के कर कमलों द्वारा आयोजन किया गया। इस दौरान एसएसपी बबलू कुमार सहित तमाम राजपत्रित अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस लाइन स्थित पुलिस मॉडल स्कूल में जीर्णोद्धार कार्य, लोकार्पण और पौधारोपण का कार्य एडीजी अजय आनंद के करकमलों द्वारा किया गया। इस दौरान एडीजी ने स्कूल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। लोकार्पण के दौरान एसएसपी बबलू कुमार सहित तमाम राजपत्रित अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, जो जनपद आगरा के पुलिस लाइन में पुलिस मॉडर्न स्कूल है, आज इसकी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की बैठक एडीजी जून महोदय के अध्यक्षता में की गई है और मीटिंग के उपरांत यहां आकर जो करीब 2 सालों से पुलिस मॉडर्न स्कूल की जो रेनोवेशन के कार्य चल रहे थे वो करीब करीब पूरे हो गए थे और उस रेनोवेशन के कार्य के जो है आज लोकार्पण एडीजी जून महोदय के द्वारा किया गया है और सर को जो है यहाँ पूरे स्कूल परिसर का भ्रमण भी करवाया गया है। दरअसल स्कूल के रिनोवेट का कार्य काफी लंबे समय से चल रहा था। आज एडीजी अजय आनंद ने मौके पर पहुंचकर विद्यालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान छात्राओं द्वारा अतिथियों के स्वागत के लिए भव्य रंगोली सजाई गई। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने अतिथियों के सम्मान के लिए स्वागत गीत भी पेश किया। बिल्कुल, चूँकि लॉकडाउन है और इस कारण से स्कूल हमारा परिसर में बच्चों को आने की मनाही है, तो जितने भी हमारे बच्चे हैं, हमारे टीचर्स ऑनलाइन जो जूम पोर्टल है या गूगल मीट है, व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों को क्लासेस ले रहे हैं, उनके असाइनमेंट्स ले रहे हैं ताकि उनकी पढ़ाई में किसी प्रकार की रुकावट न हो। इस दौरान अधिकारियों द्वारा स्कूल का भ्रमण कर लैब, पुस्तकालय, स्मार्ट क्लास, स्कूल में कैमरा लगाने हेतु संबंधित को आदेश दिया गया। वैश्विक महामारी कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने की शिक्षकों से अपील की गई। सी न्यूज के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।